महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार ने मुंबई के विकास के लिए खूब काम किया। धीरे धीरे मुंबई सपनों की नगरी बन गई। पूरे देश से लोग मुंबई में अपने लिए रोजगार ढूंढने, अपने सपने पूरे करने आए। लेकिन फिर बीजेपी की सरकार आई और उसने मुंबई को बर्बाद करके रख दिया। आज आलम यह है कि मुंबई में एक अदद नौकरी के लिए युवाओं को तरसना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का पूरा ध्यान अडानी के खजाने भरने में लगा हुआ। नरेंद्र मोदी से अडानी की दोस्ती के कारण आज धारावी के लाखों गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। लेकिन जल्द ही महायुति सरकार की इस बर्बादी पर रोक लगने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने मुंबई के लिए अपना खास रोड मैप जारी किया है, जो मुंबई को फिर से नंबर वन बनाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ ही वेंडिंग मशीन लगाकर मात्र ₹1 में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म करके ऑटोमेटिक सफाई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बेरोजगारी से परेशान युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पहली नौकरी पक्की योजना के तहत शिक्षित युवाओं के लिए एक साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा धारावी के अडानी प्रोजेक्ट को रद्द करके नया धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और सभी निवासियों की भागीदारी हो। नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। हाउसिंग सेक्टर में GST 18% से घटाकर 5% की जाएगी। मत्स्य विपणन बोर्ड की स्थापना की जाएगी और मछुआरों को 5 लाख तक ऋण माफी दी जाएगी। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए मुंबई में अलग अलग जगहों पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। साथ ही जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड ऑन कॉल सेवा को फिर से शुरू किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी के इन वादों से मुंबई समृद्ध होगी और फिर से चमक उठेगी।